अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शादाब खान वाइस कैप्टनसी से फारिग, पाकिस्तानी टीम का नया वाइस कैप्टन कौन होगा, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शादाब खान की हालिया पिछले काफ़ी अरसे से परफॉर्मेंस सही नहीं रही। शादाब खान बैटिंग और बॉलिंग दोनों में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, तो लिहाजा इसको मद्देनज़र रखते हुए शादाब खान की परफॉर्मेंस पर फैंस काफ़ी तनकीद कर रहे हैं और काफ़ी उंगलियाँ उठ रही हैं उन पर। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि ज़राए के मुताबिक पीसीबी के मौजूदा चेयरमैन ज़का अशरफ का कहना है कि शाहीन शाह अफरीदी को शादाब खान की जगह पाकिस्तानी टीम का वाइस कैप्टन बना दिया जाए। ज़राए का ये भी कहना है कि दूसरी जानब बाबर आजम ये चाहते हैं कि या शादाब खान ही पाकिस्तान टीम के वाइस कैप्टन रहें या फिर कोई ना हो, बाबर आजम अकेले ही हों। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि कप्तान बाबर आजम तो हर हाल तक वर्ल्ड कप 2023 तक पाकिस्तानी टीम के कप्तान रहेंगे, लेकिन अब वाइस कैप्टनसी का इशू आ रहा है। अब देखते हैं कि पीसीबी कल या परसों या आज भी पाकिस्तानी टीम का वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस करेगी। जैसे ही पाकिस्तान टीम का स्क्वाड अनाउंस होगा तो इसमें यह भी वाजह हो जाएगा कि पाकिस्तान टीम का वाइस कैप्टन कौन होगा। तो दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है, कॉमेंट में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।